वेलकम टू लेक्चर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लेक्चर नंबर 25 में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बहुत ही प्रतिष्ठित पुस्तक जिसका नाम है अलौकिक हिमाचल प्रदेश। इस पुस्तक का सारांश हमने तैयार किया है, हमारी टीम ने भरसक प्रयास करके इसको तैयार किया गया है। ये पुस्तक मार्केट में इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध रहती है, जिसका नाम है द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में 25 लेक्चर हो चुके हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं पीछे के लेक्चर नंबर 1 से जाइएगा। प्लेलिस्ट में हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के नाम से एक फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में, उसके अंदर आपको 25 के 25 मिल जाएंगे। 25 के 25 वीडियो को अच्छे से सुने, परखें, पढ़ें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लें। तो करंट अफेयर्स कहाँ से आपको मिलेंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है elitestudyco.in। इस वेबसाइट पे आपको दो PDF में जनवरी से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक दो PDF में हमारे करंट अफेयर्स उपलब्ध हैं। इनको आपको परचेज हल्की सी कीमत चुका के आप परचेज करके इनके PDF अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और स्टूडेंट्स, सेकेंड दूसरे नंबर पर हम सुजेस्ट करते हैं कि परीक्षा का स्तर कैसा है, पैटर्न कैसा है, या भूतपूर्व में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इस सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम के द्वारा ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आपको मिलेंगे क्लर्क के, अलाइड सर्विसेज के तथा TGT आर्ट्स कमीशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं। ये तीनों पुस्तकें भी हमारी वेबसाइट elitestudyco.in पर उपलब्ध है। लेक्चर नंबर 25 में पहला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1939 को भागमल सोहटा की अध्यक्षता में प्रेम प्रजारणी सभा को किसने बदला गया। तो इसको बदला गया था धामी प्रजामंडल में। और 3 से 4 बार ये प्रश्न उत्कृष्ट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अक्सर भी पूछ लिया जाता है कि धामी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 13 अप्रैल 1939 को हुई थी। और आई थिंक 13 अप्रैल के साथ में एक और घटना भी जुड़ी है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। धामी प्रजामंडल द्वारा राणा के सामने कौन सी मांगे रखी गई थी। मेन के विद्यार्थी अच्छे से गांठ बांध लें, पहली रखी गई थी बेगार प्रथा की समाप्ति करें, भूमि लगान के 50% की कमी, धामी प्रजामंडल को मान्यता, जनता पर लगाए गए प्रतिबंधों और अवरोधों की समाप्ति, नागरिक अधिकारों को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। और स्टूडेंट्स, कई बार इससे पूछ लिया जाता है कि धामी निम्नलिखित में से धामी प्रजामंडल में राणा के सामने कौन सी मांग नहीं रखी गई थी, क्योंकि इस पुस्तिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत से जितने भी हमारे पुराने समय के मैं बोलूँगा पेपर सेटल करने वाले है उनके हाथों में किताब है और उन्होंने काफी अच्छे से इस किताब को पढ़ा है। तो अक्सर परीक्षा इसी से किताब से अभी तक का जो हमारा अनुभव है, बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं। धामी गोलीकांड की रिपोर्ट बनाने के लिए नेहरू जी ने किसे नियुक्त किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे नियुक्त किया गया था, धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए अंबाला के कांग्रेसी कार्यकर्ता लाला दुनीचंद को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के किस राजा से मतभेद होने पर नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो इनका नाम था राजा राजेंद्र प्रकाश। देखिए, नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद, जबकि वो न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे श्री मौर्य रियासत में, उसके बाद देखिए उन्होंने हिमाचल को बनाया, हिमाचल के लिए एक स्वतंत्र लड़ाई लड़ी और इन्हीं के भरसक प्रयासों के द्वारा आज हमारा हिमाचल प्रदेश भारत के मानचित्र पर उभर कर निकला है। छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक और प्रदेश की भौगोलिक विपरीत परिस्थितियों के अनुसार भी हमने अपने आर्थिक जीवन को और भी सुदृढ़ बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का पहला अधिवेशन 1946 ईस्वी में मंडी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। स्टूडेंट्स, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, मंडी के स्वामी पूर्णचंद। हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इनका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व भी भारतीय संघ में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो इस रियासत का नाम है ठियोग। आपने याद रखना है ठियोग हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत थी जिसका भारतीय संघ में सबसे पहले विलय किया गया। सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन द्वारा अपनी रियासत को भारतीय संघ के विलीन न करने पर राजा के विरुद्ध सत्याग्रह करने की धमकी किसने दी थी, तो इनका नाम था सत्याग्रही पदमदेव। और आपने याद रखना है सुकेत रियासत के जो संस्थापक थे उनका नाम था बीरसेन। तो देखिए, जो इस बीरसेन से सुकेत रियासत शुरू हुई और उसके अंतिम राजा कौन थे, राजा लक्ष्मण सेन। तो राजा लक्ष्मण सेन भारतीय संघ में अपनी रियासत को, अपनी विरासत को विलय नहीं करना चाहते थे, तो
तो इनको एक धमकी दी गई कि सत्याग्रही पदमदेव ने बोला नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, विद्रोह करेंगे और इसको भारतीय संघ में मिलाएंगे। तो ये डर गया थे राजा, तो उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन से पहले ही सुखेत सत्याग्रह से की धमकी से इन मान गए थे और इन्हें भारतीय संघ में इस रियासत का विलय कर दिया था। किस चीफ कमिश्नर ने सुकेत रियासत के भारतीय संघ में विलीन की घोषणा की थी? स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, किसने घोषणा की थी, कोई पारिवारिक संबंध क्या था, क्योंकि बाकी प्रश्न तो बहुत सी परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे हम जैसे जो लोग बैठे हैं मेरी टीम में 8 से 10 वर्षों वाले तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उसमें हमें तो पता है कि प्रश्न अब कौन सा प्रश्न बचा है। तो मैंने ऐसी कोशिश भी की इस पुस्तिका में से कि कौन कौन से प्रश्न जो बचे हैं जो अभी तक आए ही नहीं है उनको भी हम लोग आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। तो किस चीफ कमिश्नर ने सुकेत रियासत के भारतीय संघ में विलीन होने की घोषणा की थी? उनका नाम था नगेश दत्त, माफ कीजिएगा नगेश नहीं नगेरा दत्त है इनका नाम। भागमल सोहटा के प्रयासों के कारण सचिव बीपी मेनन ने शिमला हिल स्टेटस को मिलाकर किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन को स्वीकृति दी थी? तो इस प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत का 18वां राज्य बना था। कब बना था ये आप लोगों को पता है, 15 अप्रैल 1948 को। सचिव ईपी प्लानी ने 23 मार्च 1948 को राजा राजेंद्र प्रकाश की सिरमौर रियासत को भारतीय संघ में मिलाया था। शिमला हिल स्टेटस की 26 छोटी बड़ी रियासतों के विलय से कौन सा जिला बना था? इस जिले का नाम है महासू। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश बना था 4 जिले थे, आगे आपको पढ़ाऊंगा। वर्ष 1948 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो 4 जिले थे, मंडी, चंबा, सिरमौर और महासू। वर्तमान में महासू नाम हमें 12 जिलों में कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि महासू से क्या बन गया, अब बन गया है शिमला। और स्टूडेंट्स यदि 15 अप्रैल 1948 की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर कितना था। तो हिमाचल प्रदेश में थी 23 तहसीलें थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 10,451 वर्ग मीटर, आज की डेट में कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर का हमारा एरिया है। जनसंख्या की बात करें तो उस टाइम थी 9,83,367 थी, और आज आपको पता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश 70 लाख के आसपास पहुंचने वाला है, 68 के पास हम लोग एट प्रेजेंट है। बिलासपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में विलय का विरोध किया था? 50 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जहाँ जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके पीछे का मुझे पता नहीं है। तो इन राजा का नाम था राजा आनंद चंद। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां राज्य कौन बना था? इस राज्य का नाम है बिलासपुर। ये प्रश्न भी कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है, और ये सब भी आता है कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना था, उस जिले का नाम क्या है, बिलासपुर। और बिलासपुर का जो नामकरण हुआ था वो कहलूर रियासत से हुआ था। कहलूर रियासत मेन जो है वो काम पे थी, बिलासपुर से ही संबंधित थी। तो आपने 1 जुलाई 1954 को भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, माफ कीजिएगा यहाँ पे राज्य हो गया, जिला रखना है आपने, 5वां जिला कौन सा था, बिलासपुर। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम बताओ। देखो इसके अध्यक्ष कौन थे, सईद फजल अली थे। और उसके सदस्यों की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू थे, और इनके दूसरे सदस्य की बात करें तो कबलव महावा पानीकर। क्योंकि मैं तो उनके 3 नाम याद रखता हूँ, ऊपर से फजल याद रखता हूँ, कुंजरू रखता हूँ और पानीकर याद रखता हूँ, और कभी भी मैं भूलता नहीं। जब ये प्रश्न आया तो मैंने सही किया है। उस टाइम से यहाँ पे आप लोगों को एक टिप्स बताता हूँ, जब हिमाचल प्रदेश के बारे में हिमाचल प्रदेश को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो इस पैनल ने एक रिपोर्ट देनी थी कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया जाए या हिमाचल प्रदेश का विलय पंजाब में कर दिया जाए। देखिए जो ये अध्यक्ष थे इसके, शहीद फजल अली थे, इन्होंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी इकोनॉमी, इसके संसाधन सीमित बेशक है, लेकिन ये अलग ही राज्य बनना चाहिए। जबकि इसके दो सदस्यों ने क्या बोला था, कुंजरू और पानीकर ने बोला था उस रिपोर्ट में कि हिमाचल प्रदेश के पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि एक अलग राज्य बन सके, तो हिमाचल प्रदेश का विलय पंजाब में कर देना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने संघर्ष किया, और एक सदस्य की जो उसके अध्यक्ष थे इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही आगे आके ये मनवा दिया गया कि हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बनने की क्षमता रखता है। और आज हम सभी हिमाचल प्रदेशियों की भरसक प्रयास के द्वारा यह सफल हो पाया है, हिमाचल प्रदेश भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश का विलय पंजाब में करने का सुझाव दिया, जबकि अध्यक्ष सईद फजल अली ने अलग प्रांत बनाने की वकालत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
31 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हिमाचल विधानसभा को समाप्त करके क्षेत्रीय परिषद यानी टेरिटोरियल काउंसिल 1957 बनाया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी 50 बार पूछा जा चुका है। तो इसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह जी, और कहाँ से थे? मंडी जिला से थे। क्षेत्रीय परिषद को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया? जुलाई 1963 में। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज जैसे ही आपको मिलती रहेगी, पीछे के लेक्चर नहीं सुने, प्लेलिस्ट में जाइए, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज नाम से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अपनी तैयारी को और तेज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, क्योंकि जॉब पाने के आपके पास अपार चांसेज है। सरकार की तरफ से बहुत सी नोटिफिकेशन निकाली है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, मेरी अपनी टीम की तरफ से सजेस्ट करूँगा कि एक वर्ष के करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ लें। हमारी वेबसाइट पर महज एक साल के करंट अफेयर्स 219 रुपये में आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको कहीं भी की जरूरत नहीं है, lecture25.in पे जाइए और इसको एकदम से ऑर्डर कीजिए और अपने इनबॉक्स में पाइए। और स्टूडेंट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उसमें उपलब्ध है, अलाइड क्लर्क का TGT आर्ट्स कमीशन के, इसको परचेज करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। स्टूडेंट्स, थोड़ा शेयर कर लिया करें, थोड़ा आप लोग भी पुण्य का काम करें। कई बार ऐसा होता है कि शेयर करने से भी हमें भगवान की कृपा से पुण्य मिलता है और अच्छी बुद्धि हमारी पढ़ाई की तरफ लगती है। और आपको पता है कि कंपटीशन में एक एक प्रश्न का महत्व होता है, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और इस YouTube चैनल के लिंक को आप लोग आगे प्रेषित करने में किसी भी तरह की झिझक ना करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्ट YouTube चैनल।